सो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NN इलेक्ट्रिकल पे। आज हम देखेंगे एक ही बोर्ड पे इन्वर्टर कनेक्शन और मेन कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह टेक्निकल वीडियो हमने इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग लिए हैं ये बोर्ड पर जितना भी स्विच लगा हुआ है, ये दो टाइप पर इसको पहले डिवाइड कर देंगे। एक साइड इन्वर्टर और एक साइड हम लोग का मेन और एक साइड इन्वर्टर कर देंगे, क्योंकि आप लोग को वायरिंग करने में सुविधा होगा। जैसे कि मैं यहाँ मार्किंग कर दिया हूँ, ब्लू कलर का जितना है ये हम लोग का इन्वर्टर कनेक्शन में है और रेड कलर का जितना है ये हम लोग का मेन कनेक्शन में देंगे। जैसे कि आप लोग दे रहे हैं इंडिकेटर है और दो लाइट और एक सॉकेट, ये हम लोग का मेन कनेक्शन है। और राइट साइड जो ब्लू कलर है, यहाँ दो लाइट, एक फैन का है और एक सॉकेट, इसको हम लोग इन्वर्टर पर कनेक्शन करेंगे। सो फ्रेंड, चलिए देखते हैं किस तरह से इसका वायरिंग करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का और ब्लू कलर का दो साइड है। लेफ्ट साइड जो रेड कलर का है उसको हम लोग मेन कनेक्शन करेंगे और राइट साइड जो ब्लू कलर का है उसको हम लोग इन्वर्टर कनेक्शन पे देंगे। तो चलिए पहले इसका स्क्रू को पहले ढीला कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ब्लू कलर में दो लाइट और एक फैन और एक सॉकेट है, इसका हम लोग इन्वर्टर पर कनेक्शन करेंगे। और लेफ्ट साइड जो दो लाइट है और एक इंडिकेटर और एक सॉकेट पॉइंट, इसको हम लोग मेन कनेक्शन पर करेंगे। तो चलिए पहले स्क्रू को पहले सबका स्क्रू जितना है सबको पहले ढीला कर लेंगे, उसके बाद इसका वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के बाद उसके बाद देखेंगे किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है, मेन कनेक्शन भी बताऊंगा। तो फ्रेंड, अब वीडियो पे एंड तक बने रहे तो आप लोग को पूरा बारीकी से समझ जाएंगे किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए पहले इसको फटाफट ढीला कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। सो फ्रेंड, कनेक्शन करने के लिए जैसे कि हम लोग जो लेफ्ट साइड जो है हम लोग का मेन जो रेड कलर का दिया हुआ है उसमें हम लोग येलो कलर का वायर इस्तेमाल करेंगे, और राइट साइड जो है हम लोग का स्विच जहाँ पे हम लोग ब्लू कलर मारा है वहाँ हम लोग का ब्लू कलर का वायर इस्तेमाल करेंगे। जो येलो है वो हम लोग का मेन वायर है और जो ब्लू कलर का वायर है वो हम लोग का इन्वर्टर वायर है। तो चलिए देखते हैं इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर ऊपर में तीन पॉइंट है और नीचे में दो, जैसे कि सॉकेट मिला के सॉकेट में एक है उसका स्विच और ऊपर में एक इंडिकेटर और दो लाइट का। तो वापस में हम लोग का इसका मेन कनेक्शन, जैसे कि आप लोग ने पहले वीडियो हमारे इस चैनल पे है इसका वायरिंग कैसे किया जाता है, वो भी आप लोग देख के समझ सकते हैं कैसा इसका वायरिंग किया जाता है। जैसे कि नीचे के टर्मिनल पे मेन वायर इसको हम लोग पहले ज्वाइंट कर देंगे तीनों को। जैसे कि इंडिकेटर एक पॉइंट, दो पॉइंट रहता है इंडिकेटर का, एक फेज एक न्यूट्रल रहता है, और जो स्विच में है दोनों पॉइंट और दोनों फेज रहता है। नीचे में हम लोग मेन कनेक्शन देंगे, ऊपर में जो लाइट जहाँ पर लगेगा जहाँ जलने है लाइट का वहाँ से जो एक वायर आ रहा है उसको हम लोग स्विच पे ऊपर पे देंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से नीचे पे जो तीनों है उसको हम लोग वापस में जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से कट करके जो नीचे का सॉकेट है वहाँ पे हम लोग इसको लगा देंगे, जो कि ये मेन कनेक्शन हो गया। और राइट पे जो है हम लोग का ये है जो इन्वर्टर कनेक्शन वो राइट पर रहेगा। तो मेन कनेक्शन और इन्वर्टर कनेक्शन ये दोनों कभी भी आपस में जॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो आप लोग इसी बात का ध्यान देंगे, जो कि हम लोग का मेन कनेक्शन और इन्वर्टर कनेक्शन ये अलग अलग हमेशा रहना चाहिए। तो इस तरह से ये हम लोग का वायरिंग हो गया। मेन कनेक्शन मेन नीचे पे दे दिए हैं, जो चारों टर्मिनल है इसको हम लोग पहले जोड़ लिए हैं। जोड़ने के बाद अभी सॉकेट के जो कनेक्शन है उसको हम लोग कर लेंगे। जो नीचे का स्विच है उसका ऊपर से सॉकेट का राइट साइड जहाँ पे एल लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग इसको कनेक्शन कर देंगे। तो ये हो गया सॉकेट का पॉइंट कनेक्शन। तो चलिए इसको पहले कनेक्शन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका कनेक्शन कैसे होता है। अभी हम लोग न्यूट्रल कनेक्शन करें इंडिकेटर का, जो इंडिकेटर जो पॉइंट है ऊपर का न्यूट्रल पे देंगे और सॉकेट का जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग एक वायर को पहले जोड़ लेंगे। तो चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का कनेक्शन। सो फ्रेंड, ये हम लोग का कनेक्शन हो गया न्यूट्रल का। अभी एक साइड का कनेक्शन हम लोग का पूरा हो गया है, जैसे कि हम लोग ये लाइन का कनेक्शन मेन कनेक्शन ये पूरा हो गया। अभी राइट साइड जो इन्वर्टर कनेक्शन है उसका हम लोग अभी कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से लेफ्ट साइड जैसे हम लोग कनेक्शन किए थे उसी तरह हम लोग का राइट साइड भी कनेक्शन करेंगे। नीचे का टर्मिनल जो है तीन स्विच का, जैसे कि दो लाइट, एक फैन और एक सॉकेट राइट साइड है जो हम लोग का इन्वर्टर कनेक्शन देंगे।
जैसे कि हम लोग मेन कनेक्शन किए नीचे का टर्मिनल को जोड़ देंगे वापस में, उसी तरह इधर पे भी हम लोग का इन्वर्टर कनेक्शन है उसको भी इसी तरह जोड़ देंगे। चलिए पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का प्रोसेस। नीचे का सॉकेट है, सॉकेट का में हम लोग का न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, तो दोनों वापस का जो दो सॉकेट है वहाँ पे हम लोग का न्यूट्रल कनेक्शन कर लेंगे। जो सॉकेट का एन लिखा रहता है वहाँ से एक वायर को जॉइंट करेंगे और दूसरा सॉकेट से एन पे जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट को जॉइंट कर देंगे। और इस तरह से हम लोग ब्लैक कलर का इस्तेमाल किए हैं जो कि हम लोग का न्यूट्रल का जो कनेक्शन देंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी कनेक्शन हो गया है न्यूट्रल का, अभी हम लोग कनेक्शन करेंगे अर्थिंग का। अर्थिंग का कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग सॉकेट का टॉप पॉइंट में ये लिखे रहता है वो दोनों पॉइंट को वापस पे जोड़ देंगे, जो दोनों सॉकेट है दोनों सॉकेट को अर्थिंग जोड़ देंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन जैसे होता है उसी तरह से हम लोग का अर्थिंग का भी कनेक्शन होता है। दोनों अर्थिंग का कनेक्शन ये हो गया पूरा, अभी देखेंगे आगे का प्रोसेस क्या करना है। जो मेन जो हम लोग का आएगा जैसे कि इन्वर्टर वायर, मेन वायर, न्यूट्रल और अर्थिंग, चारों वायर का हम लोग कहाँ कहाँ कनेक्शन करेंगे, चलिए इसका बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का पूरा कनेक्शन हो गया, अभी हम लोग मेन कनेक्शन करेंगे। जैसे कि आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग चार वायर लिए हैं, एक मेन वायर जो येलो कलर का, ब्लैक वायर जो न्यूट्रल, और ब्लू वायर जो इन्वर्टर का, और ग्रीन वायर जो हम लोग का अर्थिंग कनेक्शन देंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम लोग फेच करेंगे जो येलो वायर है, उसके बाद हम लोग बाकी सब कनेक्शन करेंगे। तो चलिए पहले येलो का कनेक्शन कर लेते हैं। येलो का कनेक्शन करने के लिए सो फ्रेंड, येलो को कनेक्शन करने के पहले येलो वायर को छील के, उसके बाद जो मेन हम लोग का जहाँ पे हम लोग का मेन कनेक्शन दे वहाँ पे हम लोग नीचे का टर्मिनल पे इसको जोड़ देंगे, जो हम लोग का मेन कनेक्शन पे आएगा। और जो राइट साइड है ब्लू कलर का उसमें हम लोग इन्वर्टर कनेक्शन देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देंगे जो हम लोग का। ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूट्रल पे, तो यह है हम लोग का ब्लैक कलर जो कि हम लोग का न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पे सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पे हम लोग इसको ब्लैक कलर को टाइट कर देंगे। जिसके आप लोग देख रहे हैं इस तरह से हम लोग ब्लैक कलर का ये टाइट कर लें। उसके बाद हम लोग जो ग्रीन कलर लिए हैं वो हम लोग का अर्थिंग पे कनेक्शन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सॉकेट का टॉप पॉइंट अर्थिंग का है, उसी में हम लोग इसको कनेक्शन कर देंगे और उसी में हम लोग अभी लाइन पे दे के इसको आप लोग चला सकेंगे। जो कि येलो कलर का है मेन, ब्लू कलर का है हम लोग का इन्वर्टर, और ब्लैक न्यूट्रल, और हम लोग का ग्रीन का जो है अर्थिंग। इस तरह से इसका पूरा कनेक्शन होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर का जो है, जो जितने भी स्विच है उसमें एक एक वायर जाएगा, कहाँ पे जहाँ लाइट जलाना है, जहाँ फैन चलाना है वहाँ पे एक एक वायर जाएगा। और जैसे कि आप लोग न्यूट्रल को न्यूट्रल से जॉइन कर देंगे, एक एक वायर को न्यूट्रल पे जॉइन कर देंगे, तो ये आप लोग का लाइट जलने लगेगा और फैन भी चलने लगेगा। कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखें जो कि हम लोग का मेन वायर है और इन्वर्टर वायर, ये दोनों कभी भी आपस में जॉइन नहीं होता है, इसी एक बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप लोग का इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट होके ट्रिप ले लेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नया कुछ टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद।